हेलो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट अपना कार्य पत्रक है 48। इसमें दक्षता है त्रिविमीय आकृतियों घनाभ, घन, बेलन और शंकुर गोला को पहचानने की समझ बना पाएंगे हम। जैसे समान आकार की वस्तुओं का त्रिविमीय आकृतियों से मिलान कीजिए। अब यहाँ पर क्या देखो, भी यहाँ पर एक बॉक्स में कुछ आकृतियाँ दी गई, उनका मिलान बाहर जो सर्किल में आकृतियाँ दी गई उनसे मिलान करना है। जैसे ये पहला दिया बेलन जैसी आकृति है, वो इससे मिलान करना, जैसे ये बेलन है, ये बेलन जैसी आकृति है, आप इसे मिलान करोगे। फिर देखो भी यहाँ पर कौन सी आकृति बेलन जैसी है, इधर कोई है नहीं। अब यहाँ पर एक ड्रम दिखाया गया है, ढोल, वो बेलनाकार आकृति है, तो यहाँ से आप इस प्रकार है इससे मिलान करोगे। फिर कैसी है भी घनाभ जैसी आकृति, संदूक की आकृति की कोई आकृति है उससे मिलान करना है आपको। नीचे जाओगे यहाँ पर देखो भी एक माचिस दी हुई है, या ईंट मान लो, मकान बनाने जो काम आती है, ये क्या है भी ऐसी है, तो यहाँ पर आप मिलान कर दोगे। फिर देखो संदूक जैसी आकृति कहाँ है भी, यहाँ पर एक आकृति और है, ये सूटकेस है, इसका मिलान इससे आप करोगे। फिर देखो अभी बॉल जैसी आकृति देखनी है आपको, बॉल जैसी आकृति, गोल आकृति, यहाँ पर बैलून से पहले इसने मिला के छोड़ा हुआ है। फिर इसके बाद में देखो भी यहाँ पर टमाटर, टोमेटो है, वो भी क्या है भी गेंद जैसा है, गोल है आकृति, मिलान करोगे। फिर यहाँ पर देखो भी ये फुटबॉल दी हुई है, इसका मिलान भी यहाँ से करोगे आप। फिर देखो भी गंजे से आकृति पूछी इसने, गंजे से आकृति देखो यहाँ पर देखो ये रही, ये घन है एक प्रकार से, यहाँ फिर आप करोगे इसे मिलान करोगे। और फिर यहाँ पर कोई गंजे से आकृति नहीं है, फिर यहाँ पर देखो भी ये घनाकार आकृति है, तो इसका मिलान इससे करोगे। यहाँ पर भी कोई आकृति नहीं है। लास्ट में देखो भी क्या है, अभी शंकु जैसी आकृति देखनी है आपको, शंकुआकार आकृति कौन सी है भी, शंकुआकार आकृति यहाँ पर एक तो ये आइसक्रीम दी हुई है, तो इसका मिलान इससे करना है आपको। फिर शंकुआकार आकृति देखो भी यहाँ पर और कहाँ दी हुई है, शंकुआकार आकृति यहाँ पर दी हुई है, तो इसका मिलान आप शंकु का यहाँ कर देंगे। इस प्रकार आपको मिलान करना था। जैसे बेलनाकार आकृति बेलन से मिलान की, तो बेलनाकार आकृति में ये सिलेंडर भी बेलनाकार है, इसे मिलान कर दो। नेक्स्ट कार्यपत्रक देखिए भी आप। अगला कार्यपत्रक है 49। इसमें देखो भी दक्षता सीधी रेखा व घुमावदार रेखा के बीच अंतर की समझ बना पाना। प्रश्न संख्या एक देखिए भी, नीचे दिए गए चित्र को देखिए। अब यहाँ पर एक वृत्त दिया हुआ है, यहाँ पर ये इंडिकेट किया गया है घुमावदार रेखा है। क्या है भी घुमावदार रेखा। कार्यपत्रक 49 में हम सीधी रेखा और घुमावदार रेखा के बीच में अंतर सीख पाएंगे। अब यहाँ पर देखो भी एक वर्ग दिया हुआ है, इसमें सभी रेखाएं क्या है, सीधी रेखाएं। अब यहाँ पर घुमावदार रेखा और सीधी रेखा के बारे में आपको चेक करना है। देखिए भी नीचे प्रश्न दिए हुए, अब बताइए कि नीचे दी गई आकृतियों में कितनी सीधी और घुमावदार रेखाएं। अब यहाँ पर एक आकृति दी हुई है स्टार की तरह, सीधी रेखा गिनकर आपको यहाँ लिखना है, घुमावदार रेखा को यहाँ लिखना है। सीधी रेखाएं आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 रेखाएं सीधी हैं, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे भी 10 लिखेंगे। घुमावदार रेखा कितनी है अभी यहाँ पर, एक तो ये होगी सर्कल, 1, 2, 3 कितनी होगी भी 3। अगला देखिए भी, एक बेट की तरह आकृति दी हुई, सीधी रेखा कितनी इसमें गिनो भी, 1, 2, 3, 1, 4, 5, 6, 7 कितनी भी 7 रेखाएं हैं, कितनी भी 7। और घुमावदार रेखा इसमें कोई है ही नहीं, तो आप यहाँ पर शून्य कर देंगे। उसी प्रकार ये बॉक्स है, इसमें सीधी रेखा कितनी है भी, घुमावदार रेखा इसमें एक भी नहीं है, सीधी रेखा गिन लो आप, यहाँ से गिनो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कितनी अभी 12। घुमावदार रेखा कितनी अभी 0। अब यहाँ पर देखो अभी सीधी रेखा कितनी अभी 1, 2, 3, 4, 5 वो घुमावदार कितनी अभी 1 है, कितनी अभी 1, तो आप यहाँ पर 1 लिख देंगे। प्रश्न संख्या 2 देखिए भी, नीचे दिए गए अंग्रेजी के अक्षरों में सीधी रेखा से बने अक्षरों पर गोला लगाइए। उन अक्षरों पर गोला लगाना है आपको जो सीधी रेखा से बने हुए हों।
अब सी है वो घुमावदार रेखा है, एन है उसमें तीन रेखाएं हैं वो सीधी हैं, तो इस पर आपको क्या लगाना है, अभी सर्किल लगाना है, ये घुमावदार है। एच में भी क्या है, अभी सभी तीनों जो रेखाएं हैं वो सीधी हैं, एस में घुमावदार है, टी में दोनों रेखाएं क्या है अभी सीधी हैं, पी में एक सीधी है एक घुमावदार है, इसमें भी घुमावदार और सीधी है, तीन तो गोला नहीं लगाना है, इसको लगाना है। अब प्रश्न संख्या तीन देखिए, भी नीचे दिए गए अंग्रेजी के अक्षरों में जो अक्षर सीधी और घुमावदार दोनों रेखाओं से बने, इसमें सीधी भी होनी चाहिए घुमावदार दोनों होनी चाहिए, उन पर गोला लगाना है। अब ई है इसमें सारी एक दो तीन चार रेखाएं सीधी हैं, अब जी में सीधी भी है घुमावदार भी है, इस पर आप गोला लगा दो, सीधी ये रही ये रही। सी में घुमावदार है सीधी है ही नहीं, अब डी में देखो सीधी भी है घुमावदार भी है, और पी में भी घुमावदार भी है और सीधी भी है, इन पर आपको क्या लगाना था, भी सर्किल बनाना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।